हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में ये फ्लावर कैसे बनाया है उसका वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये फ्लावर बनाने के लिए मैंने 3 कलर का वूल यूज़ किया है, ग्रीन, पिंक और वाइट। और यहाँ पे एक वाइट कलर का मोती भी लगा के लिया है। ये फ्लावर बनाने के लिए मैंने इसका यूज़ किया है, इसे फ्लावर लूम कहते हैं। और ये फ्लावर स्टिच करने के लिए मैंने सुई का यूज़ किया है। दोनों फ्लावर मैंने इस फ्लावर लूम पे बना कर लिए हैं। ये वाला जो फ्लावर है इसका वीडियो मेरे चैनल पे पहले ही अपलोड किया हुआ है। इस वीडियो में मैंने ये वाला फ्लावर कैसे बनाया है इसका वीडियो सबके साथ शेयर किया है। जहाँ पे भी मैंने इस फ्लावर का यूज़ करके टेबल क्लॉथ बनाए हैं वहाँ पे आप इस फ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लावर बनाने के लिए पहले हमें ग्रीन कलर का वूल यूज़ करना है। सबसे पहले ये जो वूल है उसे यहाँ पे एक गार्ड बांध कर लेनी है इस तरह से। इस तरह से गार्ड बांधने के बाद ये जो बाहर वाले जो स्टिक है किसी भी एक स्टिक को हमें ये वूल इस तरह से डाल कर लेना है। ये वाला जो स्टिक है उसे भी इसमें लेना है। इस तरह से डालने के बाद ये वाला जो वूल है यहाँ पे इसे इस तरह से पकड़ के रखना है। और ये गार्ड हमें थोड़ा सेंटर में लेके जानी है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा इस तरह से ये वाला जो धागा है उसे खींचना है। और इस तरह से ये गार्ड को थोड़ा सेंटर में लेके जाना है। अब जहाँ पे हमने वूल को डाल कर लिया है उसके सामने वाला जो स्टिक है उसे एक राउंड लगा कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे इसके साइड वाला जो स्टिक है उसे यहाँ पे एक राउंड लगा कर लेना है। राउंड लगाते वक्त हमें ये जो थ्रेड है उसे यहाँ पे पकड़ के रखना है। जब हम इस उंगली से पकड़ेंगे तब ये उंगली हमें छोड़नी है और ये थ्रेड को आगे लेके जाना है। अब यहाँ पे हमने थोड़ा टेढ़ा लिया। अब यहाँ पे इसके सामने वाला जो स्टिक है उस स्टिक को हमें एक राउंड लगा कर लेना है इस तरह से। यहाँ पे मैंने ये थ्रेड को पकड़ लिया है, अब यहाँ पे छोड़ रही हूँ। बाद में ये फिर से यहाँ पे पकड़ने के बाद ये उंगली छोड़ के इसे एक राउंड कंप्लीट किया। ये हमने स्ट्रेट लिया तो ये वाला जो है वो हमें साइड में लेना है इसके इस तरह से। यहाँ पे फिर से पकड़ के रखना है इस तरह से। फिर यहाँ पे पकड़ने के बाद ये वाला जो थ्रेड है उसे इस तरह से लेके यहाँ पे ये टेढ़ा लिया है थ्रेड, अब यहाँ पे हमें इसे स्ट्रेट लेना है। इसी तरह एक बार हमें स्ट्रेट लेना है और दूसरा जो राउंड लेंगे तब हमें इसे साइड में लेना है। यहाँ पे मैंने इसे साइड में लिया, यहाँ पे मैं इसके सामने लूँगी इस तरह से। एक बार सामने वाला जो स्टिक है उसको लेना है और दूसरी बार जो इसके साइड वाला जो स्टिक है ऑपोजिट साइड में इसके साइड वाला जो है उसको इस तरह से एक राउंड लगा कर लेना है। अब यहाँ पे इसके सामने वाला जो स्टिक है इस तरह से एक बार सामने वाला स्टिक कवर करना है और दूसरा जब राउंड लेंगे तब उसके साइड वाला इस तरह से। ये मैंने इसके सामने लिया, अब ये वाला जो है वो इसके साइड में होगा इस तरह से। यहाँ पे साइड में लेने के बाद अब इसके सामने वाला जो है उसको लेना है इस तरह से। फर्स्ट राउंड में इजीली समझ में आ जाता है पर सेकेंड राउंड में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं इस तरह से बता रही हूँ कि एक बार स्ट्रेट लेना है और दूसरा जो राउंड लेंगे उसे थोड़ा साइड में लेना है। यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन में मैंने थ्रेड को लिया, अब ये वाला जो थ्रेड है वह मैं इसे थोड़ा इस तरह से साइड में लेने वाली हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे इसके सामने लेना है, फिर इसके ऑपोजिट साइड में जो साइड इसके ऑपोजिट में इसके साइड में लेना है इस तरह से। और ये जो फ्लावर लूम है वो हमें एक ही डायरेक्शन में रोटेट करना है। अगर हम इस तरह और यह अलग डायरेक्शन में
रोटेट करेंगे तो हमें बहुत कंफ्यूजन होगा और ये फ्लावर सही से नहीं बन पाएगा, इसलिए एक ही साइड में हमें इसे रोटेट करके लेना है। अब ये मैंने साइड में लिया, ये वाला जो थ्रेड है, ये वाला, इसे थोड़ा इस तरह से साइड में लिया है। अब यहाँ पे ये स्ट्रेट लेना है, एक बार स्ट्रेट लिया, दूसरी बार हमें इसे साइड में लेना है, इस तरह से एक बार स्ट्रेट और दूसरी बार साइड में, फिर से स्ट्रेट और यहाँ पे साइड में, यहाँ पे स्ट्रेट लेना है और यहाँ पे साइड में लेना है, फिर से यहाँ पे स्ट्रेट लेना है, इस तरह से स्ट्रेट लेना है। और यहाँ पे मैंने दो राउंड कंप्लीट करके लिए, इसी तरह हमें और तीन राउंड कंप्लीट करके लेने हैं। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर मैंने ये फ्लावर बनाने के लिए सिर्फ पांच राउंड लिए हैं, इसलिए मैं ये पांच राउंड ही बनाकर लेने वाली हूँ। दो राउंड मेरे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और तीन राउंड हमें बनाकर लेने हैं। मैं पूरा कंप्लीट करने के बाद आगे का दिखाती हूँ। यहाँ तक मेरे पांच राउंड कंप्लीट हुए। पांच राउंड कंप्लीट होने के बाद ये वाला जो स्टिक है उसे एक राउंड लगा कर लेना है और यहाँ पे इसके सामने वाला जो स्टिक है उसे एक इस तरह से राउंड लगा कर लेने हैं। थ्रेड को इस तरह से रखना है और यहाँ पे गार्ड बांध के लेनी है इस तरह से। ग्रीन कलर का उल डालने के बाद अब हमें पिंक कलर का उल यहाँ पे यूज़ करके लेना है। जैसे हमने ग्रीन कलर के उल को एक गार्ड बांध कर लिया था, उसी तरह यहाँ पे पिंक कलर के उल को भी एक गार्ड बांध कर लेनी है। इस तरह से गार्ड बांधने के बाद किसी भी एक स्टिक को, ये जो अंदर वाले स्टिक है, किसी भी एक स्टिक को हमें डाल कर लेना है इस तरह से। और ये जो सेंटर में होल दिख रहा है, इसके इस साइड में हमें ये गार्ड को इस तरह से खींचते हुए लेके जाना है इस तरह से। अब जहाँ पे मैंने जिस स्टिक को डाल कर लिया है उसके सामने वाला जो स्टिक है उसे एक राउंड लगा कर लेना है और यहाँ पे इसके साइड में लेके जाना है। ये थ्रेड हमने थोड़ा साइड में लिया और ये जो थ्रेड है अब हमें स्ट्रेट लेना है यहाँ पे इस तरह से। फिर से यहाँ पे साइड में लिया, यहाँ पे स्ट्रेट लेना है। जैसे हमने ये बनाकर लिया है उसी तरह ये भी बनाकर लेना है। एक बार हमें स्ट्रेट लेना है और दूसरा जो राउंड लेंगे उसे थोड़ा साइड में लेना है। एक बार साइड में लिया, अब स्ट्रेट लेना है, यहाँ पे स्ट्रेट लेने के बाद इसे साइड में लेना है। फिर से यहाँ पे स्ट्रेट लेना है और यहाँ पे स्ट्रेट लेने के बाद फिर से साइड में लेना है, यहाँ पे फिर से स्ट्रेट लेना है। इस तरह से हमारा ये एक राउंड कंप्लीट हुआ। एक बार स्ट्रेट लिया, अब ये जो है इसे साइड में लेना है। इसी तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट करके लेने हैं। एक राउंड कंप्लीट हुआ यहाँ पे मेरा और ये दूसरा राउंड है। यहाँ पे हमने साइड में लिया, अब ये वाला जो थ्रेड है वो हमें स्ट्रेट लेना है इस तरह से। एक बार स्ट्रेट लिया तो दूसरी बार हमें साइड में लेना है, यहाँ पे स्ट्रेट लेना है इस तरह से और इसके बाद साइड में स्ट्रेट, साइड में। इसके सामने वाला जो स्टिक है उसको एक बार लेना है और दूसरी बार इसके थोड़ा साइड वाला जो है उस स्टिक को लेना है।
इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करके लेने हैं। इस तरह से यहाँ पे मेरा दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। ये वाला जो थ्रेड है नीचे वाला वो मैंने स्ट्रेट लिया था, तो ये जो मेरे हाथ में थ्रेड है उसे मैं साइड वाले स्टिक में इस तरह से डालने वाली हूँ। इसी तरह से ये हर एक स्टिक को डालकर हमें 5 राउंड कंप्लीट करके लेने हैं। यहाँ पे मेरे 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह और हमें 3 राउंड बनाकर लेने हैं। टोटल 5 राउंड हमें यहाँ पर बनाकर लेने हैं। आप चाहे तो ज़्यादा भी राउंड बनाकर ले सकते हैं, पर मैंने ये वाला जो फ्लावर है वो 5-5 राउंड का ही बनाकर लिया है, इसलिए यहाँ पे मैं 5-5 राउंड ही ले रही हूँ। मैं पूरा 5 राउंड कंप्लीट करने के बाद आगे का दिखाती हूँ। यहाँ तक मेरे 5 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये वाला जो थ्रेड है उसे, ये वाली जो स्टिक है उसे एक राउंड लगा कर लेने वाली हूँ, और इसके सामने वाला जो बाहर वाला स्टिक है उसको इसी तरह से एक गार्ड बांध कर लेने वाली हूँ। और जैसे मैंने ग्रीन कलर के ऊन से एक गार्ड बांध कर ली है, उसी तरह यहाँ पे ये गार्ड बांध कर लिया, और एक गार्ड मैं उसी जगह पे बांध कर ले रही हूँ इस तरह से। इस तरह से मैंने दोनों कलर का यूज़ करके राउंड कंप्लीट करके लिए। अब हमें इस फ्लावर को स्टिच करना है। स्टिच करने के लिए मैंने ये जो सुई है उसमें पहले से ही एक धागा डालकर रखा है। वाइट कलर का वूल मैंने यहाँ पे लिया है। अब इसका एंड जो है यहाँ पे एक गार्ड बांध कर लेने वाली हूँ इस तरह से। इस तरह से एक गार्ड बांध कर लिया। ये जो एक्स्ट्रा वूल है गार्ड बांधने के बाद वाला जो, उसे कट करके लेना है। और ये वाला जो स्टिक के सामने वाला जो होल है, ये वाला, यहाँ पे हमें नीचे से सुई को लेना है इस तरह से। और ये जो सेंटर में होल है, इस होल में हमें सुई को डाल के इस तरह से पीछे की साइड में लेके जाना है। अब जो हमने ये वाला जो गार्ड बांध कर लिया था, ये मेरा 4 प्लाई का वूल है, इसलिए मैं 2 प्लाई के अंदर से इस सुई को बाहर निकालने वाली हूँ इस तरह से। 2 प्लाई यहाँ पे है सुई के ऊपर के साइड में, और 2 प्लाई सुई के नीचे के साइड में। इस तरह से मैंने ये सुई को निकाला इसके अंदर। इस तरह निकालने के बाद ये जो थ्रेड है उसे थोड़ा टाइट खींचना है, ज़्यादा भी टाइट नहीं खींचना है, थोड़ा सा टाइट इस तरह से खींच के लेना है। पहले हमने यहाँ से सुई को बाहर निकाला था, अब इसके सामने वाला जो स्टिक है यहाँ पे हमें सुई को लेना है। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सुई को बाहर निकालना है, थोड़ा खींचना है। और ये जो सेंटर में वूल है वहाँ से हमें इसे इस तरह से पीछे लेके जाना है। और ये वाला जो थ्रेड है उसे थोड़ा खींचना है टाइट। अब इसके साइड वाला जो स्टिक है यहाँ पे, फिर से इसके सेंटर में जो होल है वहाँ पे हमें इसे सुई को पीछे लेके जाना है। यहाँ पे ये वाला जो स्टिक है उसके सामने वाला जो होल है यहाँ पे इस तरह से सुई को निकालना, थोड़ा खींचना है। और ये जो सेंटर में होल है वहाँ से हमें पीछे की ओर सुई को लेके जाना है।
इसी तरह से हमें ये पूरा सर्कल स्टिच करके लेना है। मैं पूरा कंप्लीट करने के बाद आगे दिखाती हूँ। यहाँ तक मैंने इसे स्टिच करके लिया। ये लास्ट वाला जो धागा है, यहाँ पे हमें सुई जो है वो एकदम सेंटर में नहीं डालनी है, थोड़ा इस तरह से साइड में डालनी है, इस तरह से। और ये जो थ्रेड है उसे खींच के लेना है। अब फिर से पीछे ये जो सेंटर में होल है, यहाँ पे हमें सुई को बाहर लाना है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं और पीछे की साइड में एक गार्ड बांध कर ले सकते हैं। मैं यहाँ पे मोती यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए मैंने सुई को ऊपर लिया। अब हमें यहाँ पे इस तरह से मोती डाल कर लेना है, पर ये वाला जो पार्ट है सुई का, ये बहुत मोटा है, इसमें मोती नहीं जा रहा है, इसलिए मैंने ये वाला जो थ्रेड है यहाँ पे थोड़ा फेविकॉल लगा कर लिया था। फेविकॉल लगाने के बाद ये थोड़ा इस तरह से हार्ड हो जाता है, और यहाँ पे इस तरह से हमें ये मणि इसमें डाल कर लेना है। मणि डालने के बाद यहाँ पे हमें इसे स्टिच करके लेना है। इस तरह से थोड़ा साइड में हमें इसे, सेंटर वाला जो होल है वहाँ पे नहीं लेना है, थोड़ा साइड में इस तरह से लेना है। इस तरह से मणि लगा कर लिया। फिर से यहाँ पे एक बार हमें इसे गार्ड बांध कर लेनी है। इस तरह से कहीं पे भी हमें ये जो सुई है उसे नीचे इस तरह से निकालना है। इस तरह से ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हुआ। अब ये वाला जो थ्रेड है उसे हमें इस तरह से निकाल के लेना है पहले, और ये साइड वाले जो स्टिक है उसमें से इस तरह से निकाल के लेने हैं। साइड में निकालने के बाद यहाँ पे इस तरह से थोड़ा पुश करके लेना है हल्के हाथों से, और इस तरह से बाहर निकालना है। अब यहाँ पे पीछे की साइड में एक गार्ड बांध कर लेनी है। इस तरह गार्ड बांधने के बाद एकदम नजदीक यहाँ पे हमें थ्रेड को कट करके लेना है।
इसी तरह से ये वाला जो पिंक कलर का धागा है उसे भी हमें एकदम नज़दीक से यहाँ पे कट करके लेना है। और इसी तरह ये ग्रीन वाला जो धागा है उसे भी हमें यहाँ पे कट करके लेना है। इस तरह से ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हुआ।